महाराष्ट्र व हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों को लेकर भी बिगुल बज गया है। चुनावों की घोषणा होते ही कांगड़ा जिला के धर्मशाला व सिरमौर जिला के पछाद में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। महाराष्ट्र व हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों का बिगुल भी बज गया है। चुनावों की घोषणा होते ही कांगड़ा जिला के धर्मशाला व सिरमौर जिला के पछाद में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि कांगड़ा जिला के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र व सिरमौर जिला के पछाद सीट पर उपचुनाव होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि चुनावों को लेकर 23 सितंबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा धर्मशाला में लगभग 81,000 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे, जिसमें लगभग 41,000 पुरुष तथा 40,000 महिला मतदाता शामिल हैं। प्रजापति ने बताया कि जिला कांगड़ा में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी और पूरे जिला में धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि ये आचार संहिता 27 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम पूरे कर लिए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन द्वारा आज जो बाइपोलों का धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लिए उसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई है, और जो टाइमलाइन इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई वो इस प्रकार से है। जो गेजेट नोटिफिकेशन है वो 23 तारीख को होगी और लास्ट डेट ऑफ जो नॉमिनेशन है हमारा 30 सितंबर होगा, जो कि मंडे है, और स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन की 1 अक्टूबर को, और जो विड्रॉवल की डेट है वो 3 तारीख को है, और जो पोलिंग होनी है हमारी वो 21 अक्टूबर को होगी और काउंटिंग 24 को होगी, और जो MCC एनफोर्स हुआ है जो पूरे ज़िले में वो 27 अक्टूबर तक कंटिन्यू रहेगी। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव संबंधी तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि एक साफ सुथरा और निष्पक्ष चुनाव विधानसभा क्षेत्र में करवाए जाए। सर, नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए भी कोई प्रयास किया? ये वैसे तो हम रूटीन में कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश रही है कि जितने भी हमारे 18 साल से ऊपर के मतदाता हैं, जो 1 जनवरी 2019 को 18 साल के हो गए हैं, उनको ऐड किया जाए, और जिसके लिए स्पेशल कैंपेन्स हमारे कॉलेजेस में चलाए गए हैं, और इसके बाद जो हमारे रूटीन में लोग एडिशन्स होते हैं हमारे वोटर लिस्ट में, वो प्रक्रिया तो जारी रहेगी।